वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 25 में आपका स्वागत है। और आज हमने सीरीज स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसको हम आज यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं। टोटल 25 वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं। और लॉकडाउन चल रहा है, हमें वीडियोस बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर भी हमने आपके लिए इतना किया है। तो आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को स्प्रेड कर सकते हो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाने का हमें काफ़ी मन था, मगर इस बार इस लॉकडाउन सीजन की वजह से पूरा एकेडमिक ईयर डिस्टर्ब हो चुका है। इवन वी आर नॉट एबल टू प्लान एनीथिंग, और हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे आपको पढ़ा सकें। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम हो सके इतना आपको ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका टाइम बच जाए और आप लॉकडाउन है तो भी आप प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे टोटल 8 चैप्टर्स का सीरीज रख दिया है हमारे चैनल के ऊपर। तो आप इतना भी कर लेते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, जो काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, और उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल वीडियोस डाले हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक भी कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, बोर्ड एग्जाम आ चुकी है, तो आप वीडियो सीरीज को बार बार देखिए, आपका करीबन 80% सिलेबस कवर हो जाएगा इसके अंदर। और मैंने वही चैप्टर लिए हैं जो आपके ज़्यादा वेटेज को कवर कर रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी है, मेंचुरेशन है, फर्स्ट चैप्टर को मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि ये चैप्टर है वो आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो और वो आपके लिए नए नहीं हैं। बट फिलहाल जो चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जिसके बारे में आपने अभी तक आज कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो सारे चैप्टर्स मैंने इस सीरीज के अंदर कवर किए हैं। तो बस ये सीरीज को कवर कर लीजिए, टोटल 8 चैप्टर का सीरीज डाला हुआ है, वही आप इतना कवर कर लोगे तो भी आपका 80% का जो कवरेज है, 80% का वेटेज है, वो आपका कवर हो जाएगा। तो 25 नंबर का वीडियो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके पहले टोटल 1 से लेकर 24 वीडियोस जा चुके हैं, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ मैंने हर चीज़ को कवर किया है, देखिए आप एक बार। और मेरी आपसे एक सलाह है कि कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आप ऐसा मत सोचिए कि चलो 2-3 वीडियो आज आपको देख लिए तो आपको आ गया और आप फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। पूरे वीडियोस देखिए टोटल 2-3 बार, फिर आप पेन लेके उस प्रैक्टिस की चैप्टर की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 25 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं क्या करना है। फाइंड द 8th टर्म, यहाँ से 8th है मतलब n की वैल्यू आपको 10 मिल चुकी है, ठीक है, बट ये फॉरवर्ड नहीं है, बैकवर्ड है, फ्रॉम द एंड बोला है। तो एंड से हम देखने जाएं तो चलो आपको सीरीज अब यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से देखना है पीछे से। तो आपको a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 126। डिफरेंस आप देख ही रहे हो, 8 और 10 है, तो डिफरेंस आपका कितना मिल जाएगा, आपको डिफरेंस 2 मिल जाएगा, राइट। अब मुझे एंड से बोला हुआ है, तो मैं ए एन इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते थे, मगर यहाँ पे एंड से बोला हुआ है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लास्ट टर्म ऑफ एपी ढूंढने के लिए देखा था हमने, मगर ये बैकवर्ड से फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब आपको पीछे से टर्म ढूंढने के लिए बोला जाएगा तब की बात है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 10th टर्म ढूंढना है। तो a 10 इज इक्वल टू l कितना था, 126 माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना था आपका, 2 था। अब a 10 फ्रॉम द बैक, 126 माइनस ये हो जाएगा 9 इंटू 2। अब a 10 इज इक्वल टू 126 माइनस 9 टू जा 18, a 10 इज इक्वल टू 126 माइनस 18 कर लेते हो आप, तो 8 हो जाएगा, ये 1 0 हो गया, 1 हो गया, तो a 10 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 108। काफ़ी आसान, मतलब ये आपका पीछे से 10वें नंबर का टर्म आगा होगा 108। काफ़ी सारे छोटे छोटे कंसेप्ट आपको कवर करवाए हैं, और ए पी इज़ अ स्कोरिंग चैप्टर, आपको पूरे मार्क्स दिलवाएगा, आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर के बाद कोई सीरीज नहीं बनाने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि क्लास साइंस का जो साइंस, क्लास 10 का जो साइंस है वो भी आपको कवर करवाएं, बट विदाउट स्टूडेंट इंटरेक्शन साइंस को ऑनलाइन टीच करना ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं अभी इस चैप्टर के बाद कोई वीडियो सीरीज नहीं बनाऊंगा। फिलहाल मेरे प्लेलिस्ट के अंदर अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन एरिया ऑफ सर्कल, कंस्ट्रक्शन,
और काफ़ी सारे चैप्टर्स को मैंने कवर करवा दिया है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। एक बार आप ईयरफोन डाल के शांति से सारे वीडियोस को देखिए, आपको मैथ्स आसानी से आ जाएगा। और फिर भी आपको मैथ्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप हमारे बेसिक सीरीज को भी देखिए, एल्जेब्रा को देखिए, पॉलिनोमियल को देखिए, लीनियर इक्वेशन को देखिए। मतलब ये अगर आप मैथ्स में जीरो हो तो मैथ्स में हीरो बनने के लिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बनेगी। तो आप इसको विजिट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमें मोटिवेशन या मोटिवेशन दे सकें। तो ये हम यहीं पे एंड करते हैं। आपने हमें काफ़ी सपोर्ट दिया है और मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को थोड़ा सा एक्सपांड कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि हमें भी फ़ायदा हो। मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, जो देखेंगे, अगर प्लान करेंगे तो बनाएंगे, अदरवाइज हम यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। तो ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही, लॉकडाउन चल रहा है फिर भी हमने आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमें कुछ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नए क्लासरूम के साथ नए एकेडमिक ईयर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।